मेरा नाम शाजिया है और मैं रऊफ़ साहब की वाइफ हूँ। तो उनको 6 जून को पहले ले गई उनको यहाँ से, उनको फ़ोन आया तो यहाँ कहा कि आप यहाँ आ जाओ, हमें थोड़ा काम है। उसके बाद उनको छोड़ दिया 6 जून के शाम को। उसके बाद उनको 29 जून को फिर फ़ोन आया तो यहाँ पे आ जाओ, हमें थोड़ा सा काम है। उसके बाद वो चले गए वहाँ पे और उसके बाद उनको छोड़ा नहीं है। फिर उनको ऐसे ही PSA लगाया है तो मतलब कोई कसूर नहीं है उनको, कुछ भी नहीं है। नेट का फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया तो उसी तैयारी में वो थोड़े थे, मतलब बिजी थे। तो उसके बाद उनको फिर यहाँ से शिफ्ट किया दूसरी जगह पे पुलवामा में। The school has come up with this statement that it's a college and as well as institute. It's not a religious institute, and moreover, it's affiliated with University of Kashmir as well as with Board of School Education. So they say that the Jammu and Kashmir police is welcome for the investigation. But 3 teachers, जिनका नाम लिया गया है, उनका school records में कभी वो employed भी नहीं थे और कभी उन्होंने वहाँ पे काम भी नहीं किया। तो सर उनको वो 3 teachers को onward basis they have been associated with that school. ऐसा आपको ये बता देंगे, हमारा डाटा है, मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ PSA नहीं लगाया गया 3 को, बल्कि 107 CRPC के साथ बॉन्ड ऑन भी किया गया है। जैसे मैं जाना चाहूँगा कि स्कूल उनको का प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल पूछे हमसे, मैं बताऊँगा। मीडिया में ये सेंसिटिव इसलिए शेयर नहीं करेंगे। मेरा नाम आकिब गनी है, मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, मैं बानीहाल का रहने वाला हूँ जी। बानीहाल से मैं इसलिए इस स्कूल में पढ़ने आया हूँ क्योंकि मैंने इस स्कूल के बारे में बहुत सुना। यहाँ से मैंने जो पिछले स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर निकले यहाँ से, इंजीनियर निकले यहाँ से, और जो हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स निकले वो खासकर शाहिद अमीन है कुलगाम से, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन हुई, और मैंने पिछले स्टूडेंट्स के बारे में सुना और इसलिए मैं इस स्कूल में एडमिशन किया। मेरा नाम शाहनवाज भट है, मैं डोडा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 4 सालों से यहाँ पर हूँ और मैं BA सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पर ज़ेर तालीम हूँ जी। ये हालात की वजह से अगर ये कह रहे हैं कि ये मतलब इन्होंने जो हमारे स्कूल के को बोला है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे किया जाता है, ये बिल्कुल सर गलत है। यहाँ इस तरह की कोई भी हमारे स्कूल में तालीम नहीं दी जाती है। यहाँ बिल्कुल जो गवर्नमेंट सिलेबस है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी रिलेटेड सिलेबस है, वही हमको यहाँ पढ़ाया जाता है। और यहाँ और जो हायर सेकेंडरी में है वहाँ JK बोस का सिलेबस पढ़ाया जाता है और बाकी कोई भी, और इसके साथ साथ कुरान की तालीम दी जाती है और कुछ नहीं। यहाँ से उन पर PSA लगाया गया है, वो अरेस्ट हुए हैं, ये सरासर गलत है। जो नाम उसमें आए हैं ऐसे उस्ताद यहाँ पर मौजूद न रहे हैं और न थे। मतलब उसमें एक है अब्दुल्लाह भट, अब्दुर्रो भट, तीसरा है कोई इमाम यूसुफानी, तो ऐसे टीचर यहाँ नहीं रहे हैं कभी। तो इस वक्त ये मतलब इदारा जो है यहाँ पे 602 बच्चे हैं। तो यहाँ जो निसाब है वो तो वही जो बोर्ड का है, हाँ इसमें इजाफी एक सब्जेक्ट है, वो हम कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को इसके साथ साथ, ताकि बच्चों को एक तो टेक्निकल एजुकेशन है उसके साथ उनको अखलाकी तरबियत भी मिले, ताकि वो अपने पेरेंट्स के जो हुकूक़ हैं उनको समझे और इसी तरह जो सोसाइटी के हुकूक हैं उसको समझे, वो बेहतरीन शहरी बने। हमारा इरादा है कि बच्चा ना सिर्फ टेक्निकली आगे हो, हम चाहते हैं कि ये मॉरली भी आगे हो।